हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड हेल्पर। तो दोस्तों, जैसे कि हमने टॉपिक शुरू किया हुआ है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तो उसके फर्स्ट पार्ट पे हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की डिफाइन और कितने टाइप्स के इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं बेसिकली वो किए थे, जो बेसिक्स इनपुट डिवाइसेस यूज होते हैं और आउटपुट डिवाइसेस यूज होते हैं। ठीक है दोस्तों, आज सेकेंड पार्ट में हम टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे कि जो हमने टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस हमने डिस्कस किए थे उस टाइम, तो हम आज उसको डिटेल में कवर अप करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। सबने नाम सुना होगा कीबोर्ड, और कीबोर्ड होता क्या है, क्या वर्क करता है, इसके बारे में अब देखते हैं क्या होता है कि बेसिकली कीबोर्ड। द कीबोर्ड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड वाइडली यूज इनपुट डिवाइस फॉर एंटरिंग द डाटा इनटू अ कंप्यूटर, ऑल्दो देयर आर सम एडिशनल कीज फॉर परफॉर्मिंग अदर ऑपरेशंस। द कीबोर्ड लेआउट इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ टिपिकल टाइपराइटर। बेसिकली ये हर जगह यूज होता है, मोस्टली यही यूज होता है कंप्यूटर में डाटा को एंटर करने के लिए। ऑल्दो इसमें कई स्पेशल एडिशनल कीज भी होती है, उसका अलग अलग काम में परफॉर्म टास्क परफॉर्म करती है, ऑपरेशन परफॉर्म करती है। ठीक है, एक तरह का ये समझ लो लेआउट ही हो गया कीबोर्ड का, समझा दिया कि कीबोर्ड होता क्या है। ठीक है, और जो इसका जो बेसिकली लेआउट है वो काफ़ी हद तक टाइपराइटर के जैसा होता है। जैसे टाइपराइटर यूज होते थे पहले, मोस्टली यूज तो अभी भी होते हैं बहुत जगह, कई सरकारी जगहों में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में टाइपराइटर ही यूज होते हैं। ठीक है, तो जस्ट वो टाइपराइटर का एक नई चीज आ गई है कीबोर्ड। अब कीबोर्ड ही चलते हैं, आपने मोस्टली ऑफिस में, होम्स में, घरों में देखा होगा कीबोर्ड यूज होता है। ठीक है दोस्तों, जनरली कीबोर्ड कम्स इन दो साइजेस में आता है, 84 कीज और 101 या 102 कीज, बट करेंटली कीबोर्ड्स विथ 104 और 108 कीज आर आल्सो अवेलेबल फॉर विंडोज एंड इंटरनेट। तो दोस्तों, 84 कीज की पहले आती थी, 84 कीज होते थे जो सबसे बेसिक कीबोर्ड होता था उसमें 84 कीज होते थे, और जो थोड़ा बढ़िया कीबोर्ड होता था इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ आता था वो उसमें 101 और 102 कीज होती थी। बट आजकल जो चल रहे हैं नॉर्मल कीबोर्ड्स वो 104 और 108 कीज आती हैं उसमें। ठीक है दोस्तों, ये होता है हमारा कीबोर्ड। तो ये कीबोर्ड कुछ इस तरह का से दिखता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ कीज। कीबोर्ड के अंदर कितनी तरह की कीज होती है। ठीक है दोस्तों, कीबोर्ड के अंदर टोटल 5 तरह की कीज होती है, 5 टाइप की कीज। तो फर्स्ट वन है न्यूमेरिक कीज। न्यूमेरिक कीज क्या होती है, इट इज यूज्ड टू एंटर द न्यूमेरिक डाटा और मूव द कर्सर। इट यूजली कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ 17 कीज। बेसिकली न्यूमेरिक कीज पता चल रहा है न्यूमेरिक से रिलेटेड है, मतलब न्यूमेरिक डाटा, नंबर वाले डाटा एंटर करने के लिए, 1, 2, 3, 4 कुछ भी वो एंटर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, और इसमें और भी कुछ कीज इंक्लूड होती है, तो ये कुल मिला के 17 कीज का सेट होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है टाइपिंग कीज। टाइपिंग कीज क्या होते हैं, द लेटर कीज A to Z एंड नंबर कीज 0 to 9 आर अमंग दीज कीज। जो लेटर्स आते हैं A to Z वो इस टाइपिंग कीज में कवर होते हैं, और साथ में जो न्यूमेरिक कीज जो इस के ऊपर ही होते हैं, ऊपर दिए होते हैं फर्स्ट लाइन में जहाँ से कीबोर्ड का सेकंड हाफ शुरू होता है, मेन कीबोर्ड जहाँ से शुरू होता है फंक्शनल कीज के नीचे, तो वहां पे आप देखोगे 1 से 9 तक दिए होते हैं, और सॉरी 0 से 9 तक वहां पे आपको कीज दी होती है। ठीक है दोस्तों, वो होता है टाइपिंग कीज। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल कीज। दीज कीज
कंट्रोल द पॉइंटर एंड द स्क्रीन, ये कीज जो होती है कंट्रोल करती है पॉइंटर और स्क्रीन को। दे आर फोर डायरेक्शनल एरो कीज ऑन इट, फोर डायरेक्शनल एरो कीज होती है वो इंक्लूड होती है। उसके बाद होम, एंड, इंसर्ट, अल्टरनेट, अल्टरनेट को ऑल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑल्ट ही लिखा होता है कीबोर्ड्स पे। फिर डिलीट, डेल लिखा होता है कीबोर्ड पे। कंट्रोल, कंट्रोल CTRL से रिप्रेजेंट किया होता है। एंड एस्केप ESC से जो रिप्रेजेंट किया होता है। ये की कुछ कीज है जो कंट्रोल कीज के अंडर आती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद स्पेशल कीज। स्पेशल कीज कौन कौन सी होती है? एंटर, शिफ्ट, कैप्स लॉक, न्यूमेरिक लॉक, टैब, न्यूमेरिक लॉक, टैब, एक्सेट्रा। एंड प्रिंट, प्रिंट स्क्रीन आर अमंग दी स्पेशल फंक्शन कीज ऑन द कीबोर्ड। एंटर, एंटर करने के लिए हम यूज करते हैं, जो कि शिफ्ट, शिफ्ट दबा के कई बार कोई कंट्रोल, कोई फंक्शन परफॉर्म करना होता है, या फिर कोई वर्ड कैपिटल लिखना हो, सिंगल लेटर कैपिटल लिखना हो, तब हम यूज करते हैं शिफ्ट की का। उसके बाद कैप्स लॉक, कैप्स लॉक ऑन करके हम सारा कैपिटल में जब लिखना होता है तो कुछ तब यूज होता है। और अगला है न्यूमेरिक लॉक, NUMLK, लॉक, एल के होता है लॉक। आपने देखा होगा राइट साइड पे जहाँ पे नंबर्स ये होते हैं उसके ऊपर लॉक होता है एक, जो सेवन नंबर होता है की होती है, जो सेवन होता है उसके जस्ट ऊपर दिया होता है NUM लॉक, नम लॉक, वो यही है। उसके बाद टैब, टैब कैप्स लॉक के जस्ट ऊपर दिया होता है। ठीक है, प्रिंट स्क्रीन, ये जो ऊपर फंक्शनल कीज होती है उसमें सेकंड लास्ट में ये प्रिंट स्क्रीन होता है बेस मेनली। ठीक है, ये फंक्शनल कीज होती है, ओ सॉरी स्पेशल कीज होती है ये। अब फंक्शन कीज, देर आर 12 कीज फ्रॉम F1 to F12 ऑन द टॉप मोस्ट रो ऑफ द कीबोर्ड। कीबोर्ड के सबसे ऊपर 12 कीज होती है जो कि फंक्शन परफॉर्म करती है, उसे फंक्शनल कीज कहते हैं। वो F1 से F12 तक होती है, आपने नोटिस किया होगा। सबसे टॉप मोस्ट में होती है, फर्स्ट की होती है एस्केप, ESC, एस्केप। ठीक है दोस्तों, जो कि कंट्रोल की होती है। उसके बाद F1 से लेके F12 तक होती है वो फंक्शनल कीज होती है। ठीक है दोस्तों, अलग अलग टास्क परफॉर्म करने के लिए होती है बेसिकली। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स, मेनली टू टाइप्स को कीवर्ड होते हैं बेसिकली, वायर्ड कीबोर्ड और वायरलेस कीबोर्ड्स। वायर्ड कीबोर्ड जो वायर्ड वाला होता है, जो मोस्टली हम कंप्यूटर्स के साथ यूज करते हैं, ऑफिस वगैरह में आपने देखा होगा, तो स्कूल्स, ऑफिस यहाँ पे मोस्टली यूज होते हैं। ये पॉकेट फ्रेंडली होते हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। वायर लगी होती है, और वायर वो सी जो CPU होता है ना हमारा, CPU के में एक सॉकेट होता है, USB सॉकेट, उसमें लगा होता है। जो आप न, मेरी अगर एक प्रीवियस वीडियो थी जिसमें मैंने आपको CPU और कैबिनेट में डिफरेंस बताया था, तो बेसिकली कैबिनेट होता है, कैबिनेट के बाहर ही वो CPU USB का सॉकेट होता है, उसमें लगा के हम अपना कीबोर्ड चला सकते हैं। ठीक है, वायरलेस कीबोर्ड्स कौन से होते हैं? वायरलेस कीबोर्ड्स वो होते हैं जो कि ब्लूटूथ के थ्रू चलते हैं। बेसिकली एक ब्लूटूथ डिवाइस आती है छोटी सी पेन ड्राइव की तरह, बिल्कुल छोटी सी पेन ड्राइव की तरह, वो हम USB पोर्ट में लगाते हैं और दैट्स इट, और वो कनेक्ट हो जाता है हमारे कीबोर्ड के साथ। ठीक है दोस्तों, ये दो टाइप के बेसिक कीबोर्ड्स होते हैं जो मोस्टली यूज होते हैं, वायर्ड और वायरलेस कीबोर्ड्स। ठीक है दोस्तों, ये है कीबोर्ड्स। अब हम सेकंड इनपुट डिवाइस की तरफ चलते हैं, जो कि है माउस। ठीक है दोस्तों, तो माउस,
माउस क्या होता है? द मोस्ट कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस इज द माउस. द माउस इज यूज टू मूव अ लिटल कर्सर अक्रॉस द स्क्रीन वाइल क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग. द कर्सर विल स्टॉप इफ यू लेट गो ऑफ द माउस. द कंप्यूटर इज डिपेंडेंट ऑन यू टू मूव द माउस. इट वुडंट मूव बाय इटसेल्फ. एज अ रिजल्ट इट इज एन इनपुट डिवाइस. तो बेसिकली जो माउस है एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, मतलब कि पॉइंट पॉइंट करने वाला. उस एक कर्सर होता है वहां पे पॉइंट करता है ना, वो जो एरो सा आप बनाता है आप यूज करते हो, कर्सर होता है उसको कर्सर कहते हैं. तो वो एक पॉइंट कर रहा है उस चीज को, आप किसको क्लिक करना है, सिंगल क्लिक डबल क्लिक, वो इस क्लिकिंग पार्ट को वो पॉइंटिंग करके कर रहा है, किसी चीज को पॉइंट करके कर रहा है. तो जो भी डिवाइस पॉइंट करके कर रहा होता है वो पॉइंटिंग डिवाइस होता है. बेसिकली ये होता है पॉइंटिंग डिवाइस. तो वो होता है माउस. माउस जो है वो हम कैसे यूज करते हैं कि उसको ड्रैग कर लिया कर्सर के थ्रू, मूव करते हैं कुछ भी स्क्रीन पे, वो कर्सर हमारा वहां पे मूव कर रहा है. ठीक है, हम जैसे जैसे ड्रैग करें मूव कर रहा है, क्लिकिंग कर रहे हैं ओपन करने के लिए, क्लिक किया या राइट क्लिक किया लेफ्ट क्लिक किया, तो वो अलग अलग टास्क परफॉर्म कर रहे हैं. और कंप्यूटर जो है वो डिपेंडेंट रहता है माउस से. ठीक है, दो तरीके से हम बेसिकली, एक कीबोर्ड होता है एक माउस होता है, जिससे बेसिकली हमारा जो कंप्यूटर है वो कंट्रोल कर सकते हैं हम. ठीक है, तो माउस वही काम करता है. और माउस जो है खुद से काम नहीं करता, हमें खुद चलाना पड़ता है माउस. तो ये एक तरह का इनपुट डिवाइस है, हम इसे इनपुट दे रहे हैं बाय ड्रैगिंग एंड क्लिकिंग. बेसिकली अ माउस इज एन इनपुट डिवाइस दैट लेट्स यू मूव द माउस ऑन अ फ्लैट सरफेस टू कंट्रोल द कोऑर्डिनेट्स एंड मूवमेंट्स ऑफ ऑन द स्क्रीन पॉइंटर. बेसिकली माउस जो है कि एक फ्लैट सरफेस पे रख के यूज करते हैं. माउस पैड्स आते हैं, हम माउस पैड पे रख के यूज करते हैं और जो कंट्रोल करते हैं कि किस किस कोने में यूज करना है, कोऑर्डिनेट्स के थ्रू यूज होते हैं. जैसे हम मैथ्स में ज्योमेट्री में एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हैं ना, माउस भी उसी बेस पे चलता है. एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं स्क्रीन पे, तो हम तो नॉर्मली चलाते हैं, बट जो माउस की वर्किंग है पीछे से वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के थ्रू ही होती है. ठीक है दोस्तों, आगे द लेफ्ट माउस बटन कैन बी यूज टू सेलेक्ट और मूव द आइटम्स. द लेफ्ट माउस बटन कैन बी यूज टू सेलेक्ट और मूव द आइटम्स व्हाइल द राइट माउस बटन व्हेन क्लिक्ड डिस्प्ले एक्स्ट्रा मेन्यूज. अगर हम लेफ्ट वाली साइड का बटन दबाएंगे तो उसे हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं आइटम या कुछ ओपन कर सकते हैं. राइट क्लिक करेंगे तो मेन्यूज खोलने के लिए बेसिकली यूज होता है. किसी चीज पे, किसी फोल्डर पे राइट क्लिक किया, उसके अलग अलग ऑप्शंस आ गए. किसी फाइल पे क्लिक किया तो अलग अलग ऑप्शंस आ गए. ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरीके का दिखता है हमारा माउस. ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेसिक. बेसिकली दो टाइप्स के माउस होते हैं, वायर्ड और वायरलेस. जैसे कीबोर्ड में भी था, मोस्टली यही होते हैं और सेम ही होती है. जैसे उसमें कीबोर्ड में होता है वैसे इसमें भी, माउस में भी होता है. वायर्ड वाले वायर के साथ लगे आते हैं, वायर होती है उसमें, उसको अटैच करना पड़ता है वायर को. यूएसबी स्लॉट, यूएसबी पोर्ट के साथ आते हैं वो. ठीक है, और जो वायरलेस है वो ब्लूटूथ के साथ वर्क करते हैं, तो उसके साथ भी छोटी सी एक पेन ड्राइव टाइप आती है, वो अटैच करनी पड़ती है, उसके थ्रू वो कनेक्ट हो जाता है. और नॉर्मली हम कहीं भी रख के उसको माउस को ऑपरेट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के थ्रू. ठीक है दोस्तों, तुम्हारा थर्ड, तुम्हारा थर्ड है इनपुट टाइप, इनपुट डिवाइस, वो है जॉयस्टिक. तो जॉयस्टिक क्या होता है? तो जॉयस्टिक बेसिकली दोस्तों आपने देखा होगा गेम्स वगैरह में हम यूज करते हैं, एक तरह का एक कंट्रोलर होता है, एक हैंडल कह लो आप उसको, कंट्रोलर होता है जिससे हम कंट्रोल करते हैं कुछ भी. ठीक है दोस्तों, और जो ये वाला जॉयस्टिक है वो भी कुछ गेमिंग कंट्रोल्स के लिए कह सकते हो, कुछ उस तरह का ही डिजाइन किया गया होता है, वैसे ही होता है. बट कंप्यूटर में क्या यूज है इसका वो पढ़ते हैं. अ जॉयस्टिक इज अ पॉइंटिंग डिवाइस
दैट इज यूज टू मूव द कर्सर ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। पॉइंटिंग डिवाइस आप पॉइंट ही कर रहे हैं, जैसे माउस में मैंने कहा था कोई भी पॉइंट कर रही है चीज, तो कर्सर की तरह हम इसको माउस की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंटिंग डिवाइस है, इससे कर्सर मूव हो जाता है, स्क्रीन पे दिखता है हमें। अ स्फेरिकल बॉल इज अटैच टू बोथ द बॉटम एंड द टॉप एंड्स ऑफ द स्टिक। और जो एक स्फेरिकल बॉल होती है जो टॉप और बॉटम में लगी होती है, जिसके थ्रू वो जुड़ा रहता है और वर्क करता है। इन अ सॉकेट द लोअर स्फेरिकल बॉल स्लाइड्स, यू कैन मूव द जॉयस्टिक इन ऑल फोर डायरेक्शंस, द जॉयस्टिक फंक्शन इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ ए माउस। बेसिकली आप जॉयस्टिक चारों दिशाओं में लेफ्ट राइट और अप अप साइड लोअर साइड मतलब अप डाउन साइड आप मूव कर सकते हैं चारों डायरेक्शंस में। ठीक है, और जो ये जॉयस्टिक है आप इसे माउस से भी कंपेयर कर सकते हो, काफी हद तक माउस के काम कर लेता है ये। ठीक है, बट इट इज प्राइमरी यूज्ड इन कैड। कैड को क्या कहते हैं, कंप्यूटर एडिड डिजाइन। कंप्यूटर एडिड डिजाइन बेसिकली आप कह सकते हो, अगर आपको नहीं नॉलेज है ज्यादा, तो जब कंप्यूटर डिजाइनिंग आती है ना, तो ये कंप्यूटर डिजाइनिंग का पार्ट है, कंप्यूटर एडिड डिजाइन। हम अलग अलग चीज डिजाइन करते हैं इससे, बहुत प्रोफेशनल लेवल पे जब डिजाइनिंग करनी होती है तो कंप्यूटर एडिड डिजाइन वर्ड टर्म यूज होता है कैड। कैड एक सॉफ्टवेयर ही है, उसके अंदर और भी बहुत कुछ चीजें आती हैं। ठीक है, तो एक आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया कैड होता क्या है। एंड प्लेइंग द वीडियो गेम्स ऑन द कंप्यूटर, तो बेसिक काम जो एस्टिक का क्या है, जब कैड डिजाइनिंग करने के लिए काम आता है और वीडियो गेम खेलने के लिए काम आता है। ठीक है दोस्तों, ये होता है हमारा जॉयस्टिक, कुछ इस तरह का होता है, बहुत अलग अलग टाइप्स के भी आते हैं जॉयस्टिक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इनपुट डिवाइस लाइट पेन। तो दोस्तों लाइट पेन क्या होता है, अ लाइट पेन इज अ टाइप ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस दैट लुक्स लाइक अ पेन। It can be used to select a menu items or to draw on the monitor screen. A photo cell and an optical system are closed in a tiny tube. Basically, light pen क्या होता है, ये भी एक तरह का pointing device है जो pen की तरह दिखता है, इसमें भी point ही कर रहा होता है। It can be used to select a menu items or to draw on the monitor screen. कुछ भी बनाने के लिए काम आता है। A photo cell and an optical system are enclosed in tiny tube. ट्यूब बेसिकली वो पेन का जो स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर फोटो सेल और ऑप्टिकल सिस्टम वगैरह यूज होता है इसमें, एक पेन में। ठीक है, बेसिकली आप वो पेन क्या है कि जैसे आपने देखा होगा टैब्स वगैरह के साथ या फिर फोन्स के साथ भी, सैमसंग के जो फोन्स आते हैं स्मार्टफोन्स बढ़िया वाले, उसके साथ स्टिक दी होती है एक। ठीक है, तो वो स्टिक कैसे, हम स्टिक के थ्रू ही सारी स्क्रीन यूज कर लेते हैं, बेसिकली वही है लाइट पेन का भी यूज। हम लाइट पेन के थ्रू पूरी स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, बेसिकली कंट्रोल करने से ज्यादा ड्राइंग करने में हेल्प करता है, या कुछ और वर्क्स है उसमें करता है। ठीक है दोस्तों, पेन द टिप ऑफ ए लाइट पेन इज मूव्ड अक्रॉस द मॉनिटर स्क्रीन व्हाइल द पेन बटन इज पुश्ड। द फोटो सेल सेंसर एलिमेंट आइडेंटिफाइज द स्क्रीन लोकेशन प्रोवाइड्स अ सिग्नल टू द सीपीयू। बेसिकली काम कैसे करता है, जो पेन की टिप होती है, जो नीचे की टिप होती है जहां से लिखा जाता है, बेसिकली नॉर्मल पेन से जहां से लिखा जाता है वो उसको टिप कहते हैं। तो उस टिप के थ्रू हम मॉनिटर पे वो मूव करते हैं, उस कर्सर मूव होता है और ऐसी पेन ये वर्क करता है, वो सेंस करके वर्क करता है, वो सेंस कर रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और ये भी माउस की तरह ही परफॉर्म करता है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के थ्रू इसको सेंस करता है कि क्या स्क्रीन पे कहाँ पे कौन सी लोकेशन पे क्या परफॉर्म करना है टास्क, वो सिग्नल सारा जाता है और परफॉर्म हो जाता है टास्क आपका। ठीक है दोस्तों, इस तरह का कुछ दिखता है लाइट पेन, आपने ये कई जगह देखा होगा। बेसिकली आप जहाँ ऑफिस टाइप होते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कई ऑफिस वगैरह है, वहां पे यूज होता है। और मोस्टली ये डिजिटल सिग्नेचर जब करने होते हैं ना, डिजिटल सिग्नेचर तब यूज होता है। आप कई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में गए होंगे, जैसे कि
ड्राइविंग लाइसेंस का जब आप टेस्ट देने जाते हो तो वहां पे सिग्नेचर करने होते हैं तो इस पे ही हो जाते हैं, आधार कार्ड है। बहुत गवर्नमेंट की ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है जो ये लाइट पेन यूज करती है बेसिकली सिग्नेचर्स लेने के लिए, तो आपने ये वहां पे देखा होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे जिसमें बाकी के हम इनपुट डिवाइसेस कवर अप करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, दोस्तों या शेयर कीजिए, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।